चलिए, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू साहस इंस्टीट्यूट। अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर, इस सेशन के अंदर हम लोग जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे, चैप्टर का नाम क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट चैप्टर जो है उसके इंपॉर्टेंट फुल सम हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। हर एक एग्जाम्पल मैं आपको प्रॉपर वर्किंग नोट के साथ डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। जरूरी सारी चीजें जो मैं वर्किंग नोट्स लिखता हूँ वो आप भी लिखोगे, ताकि सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और ये सारे के सारे सेशंस, ये एग्जांपल के और इसके आगे वाले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के भी, वर्किंग नोट स्टेप्स उसके भी सारे के सारे सेशंस हमारे साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर है। मटेरियल आप लोगों के पास हार्ड कॉपी में भी है या सॉफ्ट कॉपी में भी है, या एप्लीकेशन से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी हम लोग हमारे एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। सब लोग ध्यान यहाँ पर रखेंगे, पैम्पलेट ओपन करेंगे, कॉलेज के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर वन, राम कंसाइंस, कंसाइन का मतलब क्या होता है, सेंड, टू श्याम क्या भेज रहा है, 40 केसेस ऑफ गुड्स एट कॉस्ट ऑफ ₹5,000 पर केस। कंसाइन का मतलब होता है सेंड, भेजना। राम ने श्याम को कंसाइन किया है, मतलब भेजा है। तो मेरा पहला बेसिक क्वेश्चन कि कंसाइनर कौन और कंसाइनी कौन? तो गुड्स भेजने वाला होता है कंसाइनर, यानी कि हमारे केस में राम जो है ही इज कंसाइनर। एंड किसको भेजा है, श्याम को, तो श्याम इज कंसाइनी। ठीक है, जिसको गुड्स भेजे है वो हो गया कंसाइनी। अब जब गुड्स भेजते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी और उसके ऊपर से लेजर पोस्टिंग होता है। ठीक है, पहले मेन चीज पूछी क्या है वो देख लेते हैं। गिव लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ राम, राम के बुक में अपने को अकाउंट बनाने हैं। तो राम यानी कि कंसाइनर, कंसाइनर के बुक में कौन कौन से अकाउंट बनाने को आते हैं ये याद रखना, और कंसाइनी की बुक में भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवा दूंगा कौन सा अकाउंट आता है। तो राम यानी कि कंसाइनर, तो कंसाइनर की बुक में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट का टेबल ड्रॉ करना है, उसके साथ साथ कंसाइनी का अकाउंट आता है यानी कि श्याम का अकाउंट, एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये तीसरा अकाउंट अगर बनाना है। तो ये मेन चीजें होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और श्याम की बुक में अगर कुछ ना कहा हो तो राम का अकाउंट आएगा। ठीक है, मतलब कंसाइनर का अकाउंट, यहां पर पूछा नहीं है बट प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, एग्जाम्पल में नहीं पूछा है बट आगे के एग्जाम्पल में वो चीज आएगी, तो अभी से मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो राम की बुक में वैसे दो मेन अकाउंट है जो कि हम लोग बनाएंगे, एक कंसाइनमेंट अकाउंट हमेशा होता है, कंसाइनीज अकाउंट यानी कि श्याम अकाउंट, और एक तीसरा छोटा सा दो तीन लाइन का होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ये तीन चीजें अपने को बनाने को होती है। तो हम लोग हर एक लाइन टू लाइन पढ़ते जाएंगे, एग्जाम्पल को देखो, यहां से मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ के समझाऊंगा, उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी वो भी बताऊंगा। और जर्नल एंट्री पूछी नहीं है, पूछा है लेजर पोस्टिंग। ये अकाउंट के अंदर देखो क्या पूछा है, गिव लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ राम, पूछा यही है। पर वो इफेक्ट हम लोग सीधे रट्टाबाजी कर ले वो अच्छा नहीं है, तो मैं आपको उसके फंडामेंटल जर्नल एंट्री क्या होते हैं वो भी समझाऊंगा फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो देखिए, सबसे पहला सेंटेंस ध्यान से देखना, राम कंसाइन श्याम 40 केसेस ऑफ गुड्स एट कॉस्ट ऑफ 5000 पर केस। राम ने श्याम को गुड्स कंसाइनमेंट पे भेजा है, तो उसकी एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो मैं यहां पर वर्किंग नोट करवाता हूं फॉर रेफरेंस पर्पस। एग्जांपल नंबर वन, जर्नल क्या होगी आपके रेफरेंस के लिए मैं लिखवा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपको एग्जाम में पूछा नहीं। एग्जाम्पल में गुड्स कंसाइनमेंट पर भेजते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स गए हैं, तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आता है। तो यहां पर जर्नल एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी कितने यूनिट्स भेजे और कितनी प्राइस पर भेजे हैं, तो देखो 40 केसेस 5000 पर पीस, तो 40 इंटू रुपीज 5000, तो कैलकुलेटर के ऊपर देखो कितनी अमाउंट होगी वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं। 40
इंटू 5,000, तो कितना हुआ 2 लाख रुपीस। तो यहां पर 2 लाख रुपीस से ये जर्नल एंट्री आएगी। ये आप आपके रेफरेंस के लिए लिख सकते हो। ये वर्किंग नोट वाली फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? हमारे सभी स्टूडेंट को ये वर्किंग नोट वाली फाइल भी मिल जाएगी, पर लिखना चाहो तो साथ में लिखना, ठीक है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी इसका लेजर पोस्टिंग करना है, तो लेजर में कहां आएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर यहां पर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, अमाउंट कितनी 2 लाख रुपीस। चलो सभी स्टूडेंट, पहले मैं आपको 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पहले टेबल ड्रॉ कर दीजिए, ताकि आपको ऐसा ना हो कि सर हम लिखे कैसे, अपना अरे टेबल ड्रॉ करने बाकी है। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं टाइम दे रहा हूं 2 से 3 मिनट का। इन द बुक्स ऑफ राम दो अकाउंट बनाओगे, कंसाइनमेंट अकाउंट जो कि 10 लाइन जितना बनाओ, 10 से 12 लाइन का, और उसके नीचे श्याम का अकाउंट वो आप बनाओ 8 से 10 लाइन का, और उसके नीचे बना दो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट छोटा सा, ठीक है? 3 लाइन का गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट मैं यहां पर बना देता हूं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए सभी स्टूडेंट्स ये टेबल ड्रॉ करेंगे, 3 टेबल बनाएंगे, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ये तो 3 लाइन का ही बनाना है, ठीक है? चलो ये जर्नल एंट्री सबने लिख दी, तो अभी इसके हिसाब से हम लोग लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 2 लाख रुपीस। लिखो सब लोग, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 2 लाख रुपीस। एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो जो तीसरा अकाउंट आपने बनाया ना गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, यहां पर इसमें क्रेडिट साइड पर बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपए, ठीक है? तो देखो जब भी पहली सेंटेंस जो आई हमारी, पहला लाइन जो आया कि राम ने श्याम को 40 केसेस 5,000 पर केस पर कंसाइन किया है, तो उसका लेजर पोस्टिंग क्या होता है? लेजर पोस्टिंग याद रखना है, एग्जाम में आपको लेजर पोस्टिंग करना है। कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर एंड गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर क्या होगा? पहले सेंटेंस का लेजर पोस्टिंग, पहला सेंटेंस देख लो क्या है, राम कंसाइन टू श्याम 40 केसेस ऑफ गुड्स एट रुपीज 5,000 पर केस। तो जितने भी गुड्स है इंटू जितना भी रेट है वो मल्टीप्लाई करके कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, पहला क्लियर? दूसरा, दूसरा सेंटेंस, राम पेज, राम यानी के कंसाइनर ही है, फ्रेट रुपीज 4,500 एंड इंश्योरेंस रुपीज 12,500। कंसाइनर जितने भी खर्चे पे करता है ना वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस ही माने जाते हैं। कंसाइनर जितने भी खर्चे करता है वो सारे के सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस ही माने जाते हैं, और उसका पोस्टिंग क्या किया जाएगा? तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंसाइनमेंट के ऊपर का खर्चा है और वो पेमेंट कर रहा है राम ही, तो टू बैंक अकाउंट। तो पहले जर्नल एंट्री, जो वर्किंग नोट्स लिखे हैं उसमें नीचे जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री नंबर टू क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितनी है? फ्रेट के 4,500 प्लस इंश्योरेंस के 12,500, तो कैलकुलेटर के ऊपर दोनों का टोटल 4,500 प्लस 12,500 कितना हुआ 17,000। तो यहां पर 17,000 रुपये जर्नल एंट्री के लिए, ये रेफरेंस के लिए, ठीक है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो अभी पोस्टिंग करेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट में कहां पर लिखेंगे? डेबिट साइड पर। तो यहां पर जो कंसाइनमेंट अकाउंट हमने बनाया है इसमें हम डेबिट साइड पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऑपोजिट नाम यानी कि टू बैंक, पर रेफरेंस के लिए किस चीज के कितने पैसे हैं वो इंडिविजुअली इनर कॉलम में हम लोग लिखेंगे। तो उसमें देखो फ्रेट के कितने हैं यहां पर इनर कॉलम में,
4,500 इंश्योरेंस के 12,500 टोटल आउटर कॉलम में कितने गए? 17,000। क्लियर। चलो लिखो, यहां पर बैंक अकाउंट तो हमको बनाना नहीं है, तो उसमें क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग होगा नहीं। क्यों? क्योंकि लेजर पोस्टिंग में क्या होता है, जर्नल एंट्री में जो अकाउंट डेबिट हुआ उसमें डेबिट साइड पर पोस्टिंग, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ उसमें क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसमें डेबिट साइड पर हमने ऑपोजिट वाला नाम बैंक अकाउंट लिख दिया। बैंक अकाउंट बनाना ही नहीं है, नेसेसरी लेजर में बैंक अकाउंट नहीं आता है। अगर बनाना होता तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाई कंसाइनमेंट अकाउंट 17,000 ऐसा लिख देते। ये लेजर पोस्टिंग, खाता वही पर थी, खत्म ही ना नियमों था। क्लियर हुआ? पहले दो सेंटेंस और उसके ऊपर से जर्नल और लेजर समझ में आया। मेन याद रखना है लेजर, तो याद क्या रखोगे, जब भी कंसाइनर कोई भी एक्सपेंस पे करता है कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, और इनर कॉलम में वो खर्चे जो उसने पे किए हैं वो। क्लियर? चलो उसके आगे नेक्स्ट लाइन, श्याम पेड कार्टेज ₹2,000 एंड गोडाउन रेंट ₹2,280। ये दोनों श्याम यानी कि कंसाइन ने पे किया है, बट कंसाइनमेंट का बेसिक रूल याद रखोगे तो कंसाइनी के भी सारे एक्सपेंस कौन बैर करता है? कंसाइनर ही बैर करता है। कंसाइनमेंट के सारे खर्चे जो कि कंसाइनी ने भी भले क्यों ना पे किए हो, वो सब कंसाइनर ही बैर करता है। तो ये खर्चे भी कंसाइनर के अकाउंट में, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट में ही आएंगे। बट हाँ, जब हम क्लोजिंग स्टॉक ढूंढेंगे ना, तब अपने को देखना होता है कि ये कंसाइनी के कौन से एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है एंड कौन से एक्सपेंस इनडायरेक्ट है। तो इसमें से नॉलेज के लिए लिख दो, जो कार्टेज है ना ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, एंड गोडाउन रेंट ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लोजिंग स्टॉक का जब हम वैल्यूएशन करेंगे तब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ध्यान में नहीं लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस को ध्यान में लेंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस और कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस? तो क्या याद रखोगे कि गुड्स कंसाइनी के गोडाउन या ऑफिस या शोरूम जो भी है वहां पर पहुंचे, तब तक में जितना भी खर्चा कंसाइनी करता है वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस। एक बार गोडाउन पे पहुंच गया, उसके बाद गोडाउन का रेंट पे किया, तो वो तो गोडाउन पे पहुंच जाने के बाद का खर्चा है। गोडाउन का रेंट है या दूसरा कोई खर्चा है तो वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। सेलिंग प्रमोशन एक्सपेंस ये सब इनडायरेक्ट है। कंसाइनी के गोडाउन पर पहुंचने तक कंसाइनी जितना खर्चा करे वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। हालांकि वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में ही ध्यान रखना है। जब हम लोग ये कंसाइनी के एक्सपेंस को कंसीडर करें तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो ये सभी के सभी कंसाइनमेंट अकाउंट में आते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? देखो पे किए है कंसाइनी ने, पे किए कंसाइनी ने, बट बैर कौन करेगा? कंसाइनर, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा। तो जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट, ध्यान से, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू श्याम। श्याम हमारे लिए कौन है? कंसाइनी। कितनी कितनी अमाउंट है? तो 2,000 कार्टेज के और 2,280 रेंट के, तो 2,000 पैम्पलेट में ही देखना है आपको, प्लस 2,280। तो कैलकुलेटर पर 2,000 प्लस 2,280, तो टोटल 4,280 ये अमाउंट आएगी। देखो ये पहला एग्जाम्पल है, इसलिए मैं रेफरेंस के लिए सारी चीजें फंडामेंटली करवा रहा हूं। एक बार फंडामेंटल सारे क्लियर हो गए तो आगे के एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्विकली समझ पाओगे। आपको ये सब चीजें एग्जाम में नहीं आएगी, बट अगर मैं ये नहीं करवाऊंगा, सीधा सीधा लेजर पोस्टिंग करवा दूंगा, तो समझ में ही नहीं आएगा, सब ऊपर से चला जाएगा, फिर एग्जाम में लोचा हो जाएगा। इसलिए फंडामेंटल समझो, ये जर्नल एंट्री समझ में आई। अभी इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे तो कहां पर होगा? तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और कंसाइनी यानी कि श्याम के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। तो चलो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे टू श्याम अकाउंट। और दो चीजें पे कर रहा है, एक कार्टेज के 2,000 एंड गोडाउन रेंट
2280, तो टोटल 4280। और इसकी दूसरी इफेक्ट कंसाइनी यानी कि श्याम के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, देखो ये श्याम का अकाउंट हमने बनाया है, तो श्याम के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे डेबिट वाले का नाम, मतलब बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट अमाउंट कितनी है 4280, ब्रैकेट में लिखना है तो लिख सकते हैं कंसाइनीज एक्सपेंस, हालांकि ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि श्याम कंसाइनी ही है, ठीक है, कंसाइनीज एक्सपेंस। तो आप एग्जाम में ये नहीं लिखोगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये क्या चीज हमने लिखी है। समझ में आया यहां तक, लेजर पोस्टिंग किया सबने, आगे का सेंटेंस देखते हैं। आगे क्या हुआ, श्याम सोल्ड 30 केसेस फॉर 6000 ईच एंड इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन एट 5% ऑन सेल्स। ये अलग चीज है, पहले तो सेल किया, तो सेल की एंट्री हमको लिखनी पड़ेगी। तो चलो सेल कर रहा है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, श्याम ने सेल किया है तो उसके पैसे श्याम के पास से लेंगे, और सेल होता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है, जब गुड्स भेजा तो डेबिट, सेल हुआ तो क्रेडिट। तो यहां पर ये एक एंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, फोर्थ वाली एंट्री। अभी श्याम, श्याम मतलब यहां पर आपको याद रखना है कंसाइनियो, श्याम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी कितने केसेस बेचे और कितने रुपए में बेचे, तो 30 केसेस एट रुपीज 6000 ईच। तो यहां पर वर्किंग नोट मतलब ब्रैकेट में इनटू रुपीज 6000, तो कैलकुलेटर के ऊपर 30 × 6000, आप अपने कैलकुलेटर पर करोगे हो सभी स्टूडेंट्स, कितनी आ रही है अमाउंट, 1,80,000 आ रहा है। चलो लिखो जल्दी से ये जर्नल एंट्री, श्याम अकाउंट यानी कि कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो अभी इसके ऊपर से लेजर पोस्टिंग क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय श्याम, और श्याम के अकाउंट में यानी कि कंसाइनी के अकाउंट में डेबिट साइड पर टू कंसाइनमेंट अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, चलिए तो लिखते हैं। तो यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय श्याम, ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेल, क्योंकि ये श्याम लिखा पर ये हुआ क्या है, तो भाई ये सेल हुआ है। अमाउंट कैसा है ये हमने ऑलरेडी वहां पर वर्किंग नोट में दिखा दिया है, 1,80,000, बट फिर भी आपके रेफरेंस के लिए मैं यहां पर भी लिख देता हूं, 30 केसेस इंटू रुपीज 6000, और ये कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया, देखो ये कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट, तो कंसाइनी के अकाउंट में डेबिट साइड पर जर्नल एंट्री हमने लिखी ना श्याम टू कंसाइनमेंट, तो श्याम के अकाउंट में डेबिट साइड पर टू कंसाइनमेंट अकाउंट। वन लैख 80,000 ये क्या हुआ है, सेल हुआ है। समझ में आया यहां तक, परफेक्ट। देखो आगे के जो भी एग्जाम्पल है ना, जो आगे के एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3rd, 5 and 6, मैं हमारा पैम्पलेट में लकी दी दिला चाहिए, तो एग्जाम्पल आउट से करा रिसर्च, तो वो एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट वो कोई भी एग्जाम्पल हो ना वो इसी रास्ते से जाएंगे, मतलब ये सारी चीजें आने ही वाली है, उसके अंदर दो पॉइंट थोड़े कॉम्प्लिकेट होने वाले, तो वो बाकी के दो पॉइंट को छोड़, मतलब वो दो पॉइंट को छोड़ दो तो बाकी सारी चीजें यही सेम होने वाली है। तो अगर आपको फुल फ्लेज एग्जाम्पल पूछते हैं कोई भी, तो इतनी चीजें भी आती है ना, तो आपके 70-80% मार्क्स तो सिक्योर हो ही गए, ठीक है। सिर्फ जो एक दो पॉइंट ऐसे है जो कि थोड़े ट्विस्ट कर सकते हैं, जो कि उस एग्जाम्पल में आने ही वाले, तो मैं करवाऊंगा। चलो ये समझ में आया, सेल वाली एंट्री हो गई। चल अभी क्या बोला है आगे, मैडम पॉज करो। चलो अभी उसके आगे क्या बोला, ये गुड सेल की एंट्री हो गई, गुड सेल हुआ तो क्या हुआ, ध्यान से समझ लेना, कंसाइनी ने गुड सेल कर दिए, जैसे ही कंसाइनी गुड सेल करता है वो डेटर बन जाता है, क्योंकि कंसाइनर को अब श्याम के पास से पैसे लेने हैं, जो गुड्स उसने बेच दिया वो,
इसी की वजह से श्याम का अकाउंट डेबिट होता है। श्याम मतलब कंसाइन। तो याद क्या रखोगे, जैसे ही गुड सेल हो जाते हैं जो कंसाइनी होता है वो डेटर बन जाता है, ठीक है। इसकी वजह से एंट्री क्या हुई, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्लियर। अभी आगे क्या बोला है, एंड ही इज मतलब श्याम एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। श्याम ने जो कि हमारा कंसाइनी है उसने जितना सेल किया उसके ऊपर 5% वो कमीशन लेगा। तो उसकी जर्नल एंट्री हम लोग देख लेते हैं पहले, ध्यान से समझ रहा, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। कंसाइनर के गुड्स को कंसाइनी ने बेचा, कंसाइनी को बदले में क्या मिलने वाला है, फिक्स कमीशन। तीन टाइप के कमीशन होते हैं, सिंपल कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन। यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला है, सिर्फ कमीशन बोला है कि 5% कमीशन मिलेगा। तो कमीशन जो है वो कंसाइनी लेगा और कंसाइनर को देना पड़ेगा, मतलब कंसाइनर के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। कंसाइनी का कमीशन कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है और कोई भी एक्सपेंस कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर होता है, और वो पेमेंट किसको करना होगा, कंसाइनी को, इसलिए कंसाइनी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये अमाउंट के लिए कंसाइनी जो है वो क्रेडिटर बनने वाला, क्योंकि कंसाइनी को पैसा लेना है, लाओ मेरे कमीशन के पैसे, समझ में आ रहा है। तो क्या होगी एंट्री, पहले कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू श्याम यानी कि कंसाइनी अकाउंट, कितना कमीशन वो लेने वाला है, 5% ऑन सेल्स। सेल्स कितने का किया, देखो ऊपर की एंट्री 1,80,000, तो 1,80,000 इंटू 5%, तो कैलकुलेटर के ऊपर 1,80,000 इंटू, आप भी कैलकुलेटर पर यही प्रोसेस करोगे, 5%, तो कितना आया, 9,000 रुपीज आ रही है कमीशन की अमाउंट, सब लोग चेक करें, तो ये 9,000 रुपीज से एंट्री होगी। क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू श्याम, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर और श्याम के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। तो चलो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू श्याम, किस चीज का पैसा है, कमीशन, तो ब्रैकेट में कमीशन लिखोगे ताकि पता चले, और वो अमाउंट कैसा है वो भी यहां पर भी लिख दोगे। यहां पर इसलिए लिखनी है क्योंकि एग्जाम में आपको यही करना है, जर्नल एंट्री जो मैं आपको करवा रहा हूं वो तो आपके फंडामेंटल प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं, स्ट्रांग फाउंडेशन बनाने के लिए कर रहा हूं, फिर आगे के एग्जाम्पल्स हम लोग ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखना ही है 1,80,000 इंटू 5%, 9,000। और इसकी दूसरी एंट्री श्याम के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय कंसाइनमेंट ब्रैकेट में कमीशन 9,000, डन लिखा। चलो हो गया यहां तक, अभी आगे एग्जांपल में क्या बोला है, देखो 5% कमीशन ऑन सेल्स, यहां तक हो गया। श्याम सेंट द बैंक ड्राफ्ट इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट, मतलब जो पेमेंट उसको करना है उसके लिए उसने बैंक ड्राफ्ट दिया, बैंक ड्राफ्ट बोल सकते हैं, चेक दे सकते हैं, बिल रिसीवेबल बना दिया ये बोल सकते हैं, या कैश दे दिया, कुछ भी बता सकते हैं। For the sale, give necessary ledger effects in the books of Ram. तो अभी सारी चीजें हो गई है, अभी अपने को एक unsold goods बचा, क्यों, क्योंकि देखो 40 cases भेजे थे, sell कितने हुए 30 cases ही, तो अभी 10 cases अभी भी पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो उसकी value अपने को ढूंढनी पड़ेगी। तो एक working note करना पड़ेगा, जो journal entry आपने लिखी है ना उसके नीचे दो चार line drop करने के बाद एक working note लिखो, वर्किंग नोट फॉर अनसोल्ड स्टॉक। तो सबसे पहले तो अनसोल्ड स्टॉक, स्टॉक कितना रहेगा वो देख लेते हैं और फिर उसकी वैल्यू के बारे में देखते हैं। तो अनसोल्ड स्टॉक देखो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने थे, 40 केसेस, इसमें से सेल कितने हुए, सोल्ड कितने हुए, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा, अनसोल्ड स्टॉक। ये समझ में आया सबको,
सबसे पहले तो ये जान लेना है कि अनसोल्ड स्टॉक कितना पड़ा। तो 40 केसेस भेजे हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट पहली ही लाइन है, उसमें से 30 केसेस बेच दिए, कुछ लॉस बीच में हुआ ऐसा बताया नहीं, अगर होता तो वो भी माइनस कर देते, लाइक दो खो गए, चोरी हो गए, जो भी हुआ है। यहां पर तो कुछ नहीं हुआ है, तो 40 माइनस 30 तो 10 अनसोल्ड स्टॉक बचा। अभी इंपॉर्टेंट चीज, अनसोल्ड स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ढूंढते हैं तब कौन कौन सी चीजों को कंसिडर किया जाता है, तो कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस पर गुड्स बेचे भेजे वो, कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनीज डायरेक्ट एक्सपेंस, इतनी अमाउंट को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक या अनसोल्ड गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट, क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है, कॉस्ट प्राइस मतलब जो प्राइस पर गुड्स भेजे वो 5,000 रुपीज, देन कंसाइनर्स ऑल एक्सपेंस एंड कंसाइनीज डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो यहां पर देखो कौन कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी है वो मैं लिख रहा हूं, मैं अलग कलर की पेन यूज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या वैल्यू है, 40 केसेस इंटू 5,000 कितना है, देखो हमने लिख दिया है, पहली इफेक्ट है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की 2 लाख रुपीज, देखो है, देखो ये 2 लाख लेने हैं, कंसाइनर के सारे एक्सपेंस और कंसाइनी का सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस, ये देखो मैं ग्रीन कलर की पेन से जो टिक कर रहा हूँ ना वो अमाउंट कंसिडर करनी है, कंसाइनी के सारे, कंसाइनर के सारे एक्सपेंस और कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस, कार्टेज, कार्टेज मतलब गाड़ा भाड़ू, ठीक है, गोडाउन रेंट ये इनडायरेक्ट है तो वो कंसिडर नहीं करेंगे, तो इतनी अमाउंट अपने को कंसिडर करनी है। तो मैं यहां पर लिखता हूं एक एक करके, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 2 लाख प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंस, कितने हैं कंसाइनर के दो मिला के खर्चे हैं 17,000, आप अपनी नोटबुक में जो लिखा है वो देखना, 4,500 और 12,500 प्लस कंसाइनीज डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्टेज एंड नॉट गोडाउन रेंट, कितना है 2,000। तो इतनी अमाउंट का टोटल अपने को करना है, तो कैलकुलेटर पे देखोगे 2 लाख प्लस 17,000 प्लस 2,000 कितना हुआ 2,19,000, 2,19,000 कितने यूनिट के लिए, 40 यूनिट्स के लिए, क्योंकि हमने 40 यूनिट्स पे ये सब काउंट किया है। अनसोल्ड स्टॉक कितने का बचा है, 10 यूनिट का। तो अभी हम लोग यहां पर स्टेप रखेंगे, ध्यान से देखना, लिखने के लिए टाइम दूंगा, केसेस या फिर यूनिट, आपको एग्जाम्पल में जो बोला है वो, एंड अमाउंट या फिर कॉस्ट। तो 40 केसेस, इसकी अमाउंट कितनी हमने ढूंढी, 2,19,000। अनसोल्ड स्टॉक कितना बचा है, 10 यहां से लेके आया मैं, तो उसकी अमाउंट कितनी, क्योंकि अपने को वही तो चाहिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो उसके लिए भी मैं अलग कलर की पेन यूज कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देखो 2,19,000 इंटू 10 अपॉन 40, तो कैलकुलेटर के ऊपर देखो यहां पर 2,90,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 40 क्या आया 54,750, सबकी आ रही है वैल्यू, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई 54,750। ये वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसकी इफेक्ट कहां पर आती है, क्रेडिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। तो पहले ये चीज लिख दो, चलो मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं 2 से 3 मिनट का, यहां तक की चीजें लिख दो। चलो अभी ये वैल्यू आ गई 54,750,
याद रखना क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक उसका पोस्टिंग होता है कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। आप याद करो वैसे भी कोई भी क्लोजिंग स्टॉक हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते थे, यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर हम लोग लिखेंगे बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट या अनसोल्ड स्टॉक। कहां से आई अमाउंट वर्किंग नोट नंबर वन, यहां पर वर्किंग नोट वन ऐसा लिखना जो कि हमने नीचे लिखी। जर्नल एंट्री हमारी वर्किंग नोट नहीं थी हो, वो तो मैंने आपको रेफरेंस के लिए करवाई थी जर्नल एंट्री, ये वर्किंग नोट है, ये इस एग्जांपल के आंसर का पार्ट है। डन लिख दिया। अभी हमारा काम क्या बचा, टोटलिंग करके बैलेंसिंग करेंगे और जो बैलेंस अपने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे कंसाइनमेंट के ऊपर का प्रॉफिट या लॉस। तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड, देखो क्रेडिट साइड की अमाउंट थोड़ी बड़ी लग रही है क्योंकि ये 54,000 का टोटल यहाँ पर जा रहा है 180 प्लस, हालांकि कोई भी टोटल ज्यादा हो सकता हो। नॉर्मली 90% केस में कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा देखने को मिलेगा, 10% डेबिट साइड का भी टोटल ज्यादा हो सकता है, कोई टेंशन नहीं लेना है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, डेबिट साइड का टोटल हुआ तो लॉस ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टोटलिंग करेंगे, कैलकुलेटर ले लोगे 1,80,000 प्लस ये 54,750, अपने अपने कैलकुलेटर पर करोगे 2,34,750 टोटल आ रहा है, तो लिखेंगे 2,34,750। सेम टोटल डेबिट साइड पर भी लिख देंगे 2,34,750 और इसमें से जो डेबिट साइड की अमाउंट है उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो देखो कैलकुलेटर पर आपके सामने ही कर रहा हूं, 2,34,750 - 2,17,000 - 4,280 - 9,000 क्या आया 4,470। तो ये हमारा आंसर 4,470, इसको हम क्या बोलेंगे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ये किसका, कंसाइनर का, कंसाइनी का, या दोनों बांट लेंगे आपस में। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट किसका होता है, कंसाइनर का, कंसाइनी का, या दोनों बांट लेंगे। एग्जैक्टली, वेरी गुड। कंसाइनर का, कंसाइनमेंट का बिजनेस पहला ही स्टार्टिंग की क्या था, गुड्स आर सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ एंड एट द रिस्क ऑफ कंसाइनर। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो कंसाइनर का ही होता है, कंसाइनी को तो सिर्फ उसके कमीशन के साथ मतलब होता है। तो यहां पर प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ठीक है, ये कहीं पर भी कैरिंग फॉरवर्ड नहीं करना है, बस ये इसका प्रॉफिट हुआ। अभी हम लोग श्याम का अकाउंट है, ये हो गया सबका। अभी हम लोग श्याम के अकाउंट का बैलेंस ढूंढेंगे और जो बैलेंस आएगा वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू वो भेज देगा, क्योंकि एग्जांपल में बोला है ना, देखो श्याम सेंड द बैंक ड्राफ्ट इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। तो सेटलमेंट कितना हो रहा है, तो वो श्याम के अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो उसका सेटलमेंट हुआ, कितना पैसा बाकी है। तो यहां पर टोटल करके डिफरेंस ढूंढेंगे, एक ही अमाउंट डेबिट साइड पर जो कि बड़ी दिख रही है 1,80,000, सेम टोटल यहां पर भी, और उसमें से हम लोग ये क्रेडिट साइड की जो अमाउंट है उसको माइनस करेंगे। तो कैलकुलेटर पर देखो ये 1,80,000 - 4,280 - 9,000 1,66,720 आ रहा है सबका। तो ये हमारा फाइनल सेटलमेंट 1,66,720 यहां पर आएगा, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था 1,66,000। कैसे भेज रहा है वो, बाय बैंक, बैंक ड्राफ्ट बोला है ना, अगर बिल बोला होता तो बिल्स रिसीवेबल, कैश दिया होता तो बाय कैश। ये अमाउंट कहां से आई तो वहां पर लिख दो बैलेंस अमाउंट, ताकि ऐसा ना हो कि सर ये तो एग्जांपल में कहीं पर दिया ही नहीं था। तो ये बैलेंस अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट हमने ढूंढी है। ठीक है, यहां पर हमारा ये एग्जांपल खत्म हो रहा है। अभी हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, अगर राम का अकाउंट बना रहा है श्याम की बुक में तो एग्जैक्टली जो कंसाइनी का अकाउंट बनाना उसका ऑपोजिट होगा। जो कंसाइनी का अकाउंट बनाया
उसका ऑपोजिट होगा, मतलब क्या होगा, जब कंसाइनी सेल कर रहा है तो कंसाइनर को उतना पेमेंट करना होगा। कंसाइनी के एंगल से सोचो तो क्या होगा कि उसको पेमेंट करना होगा कंसाइनर को। तो एंट्री क्या होती है यहां पर, राम का अकाउंट हम बना रहे हैं, क्रेडिटर बन जाएगा तो सेल करेंगे तो कस्टमर अकाउंट उसका जो भी होगा वो डेबिट टू राम अकाउंट। तो राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर अगर कस्टमर ने यहां पर गुड्स कैश में बेचा है तो बाय बैंक। ये रेफरेंस के लिए सेल कितना बेचा है 1,80,000। सिंपली बताऊ ना तो ये जो राम श्याम का अकाउंट बनाया था उसका ऑपोजिट हो जाएगा। देखो यहां पर जो लिखा है ना वो क्रेडिट साइड पर हो जाएगा, यहां पर जो लिखा है ना डेबिट साइड हो जाएगा, बैलेंस यही आएगा। ठीक है, राम की बुक में श्याम का अकाउंट बनाओ या श्याम की बुक में राम का अकाउंट बनाओ, सिर्फ एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेरे नंबर से आपका कॉल कर रहा हूं या आपके नंबर से आप मुझे कॉल कर रहे हो तो सेम ही होगा, सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि मेरे में जो आउटगोइंग कॉल दिखा रहा है वो आप में इनकमिंग दिखाएगा, आपके अंदर जो आउटगोइंग दिखा रहा है वो मेरे अंदर इनकमिंग दिखाएगा। ठीक है, सेम ऐसा ही है कि राम की बुक में श्याम का बनाया तो श्याम की बुक में राम का बनाएंगे तो देखो कंसाइनमेंट अकाउंट सेल हुआ, दूसरा उसके सामने जो कंसाइनी का एक्सपेंस है वो और कंसाइनी का कमीशन, ये दोनों डेबिट साइड पर आ जाएंगे। तो यहां पर टू मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट तो नहीं है, एक्सपेंस, कंसाइनीज एक्सपेंस, दोनों ही एक्सपेंस आ जाएंगे। दोनों एक्सपेंस मिला के कितने थे 4,280 एंड कमीशन 9,000 और फिर टोटल करके डिफरेंस जो कि हमने अभी किया वही। हालांकि ये तो पूछा ही नहीं है, ये तो आपकी जानकारी के लिए, अगर पूछते हैं तो कुछ खास करना नहीं है, ऑपोजिट पोस्टिंग कर देना है बस 1,66,720। ये बैंक ड्राफ्ट दे दिया वो टू बैंक अकाउंट डिफरेंस अमाउंट, समझ में आया सबको? परफेक्ट 100% ऑफलाइन ऑनलाइन सबको समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दीजिएगा। यहां पर हमारा पहला एग्जांपल हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, यही एग्जांपल फिर से एक बार प्रैक्टिस करनी है, पहला एग्जांपल अच्छे से कर लिया आगे के एग्जांपल में ऑटोमेटिकली ग्रीप आ जाएगी। ये एक एग्जांपल और उसके साथ साथ जो सास एप्लीकेशन के ऊपर टॉपिक वाइज वीडियो रखे हैं वो भी आप देख सकते हो, या सुपर सेशन रखा हुआ है, सुपर सेशन रखा हुआ है सास एप्लीकेशन में, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिए ताकि आगे की फंडामेंटल चीजें आपकी क्लियर हो जाए और बाकी के भी सभी सब्जेक्ट का सभी सेशन इंपॉर्टेंट भी और टॉपिक वाइज भी और डेली लाइव लेक्चर्स के भी वीडियोस सब सास एप्लीकेशन पर है, तो हो सके उतना मैक्सिमम देखिए ताकि आप लोग एग्जाम में कॉन्फिडेंटली अच्छे से प्रिपरेशन कर सके और एग्जाम भी दे सके। इसके अलावा भी जो जरूरी चीज है वो मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूंगा। यहां पर मैं मेरा लेक्चर एंड कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।